भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। कल सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन तीनों शहरों में रहेगा। नियम नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीनों शहरों में पेट्रोल पंप भी बंद किए गए हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1308 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में 7344 एक्टिव केसेस हैं। तो 7 दिनों में इन एक्टिव केसेस में 64% की बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में 345 तो इंदौर में 317 नए केसेस मिले हैं। वहीं बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर में 116 नए केस मिले हैं। आपको बता दें, भोपाल में 1 साल पहले आज ही के दिन पहला कोरोना मरीज मिला था। बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा एक संडे को रोज लॉकडाउन लगाया गया है। फिलहाल में हम रेगल चौराहे पर मौजूद है, जहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहां पर जो पुलिस के विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है, वो लोग यहां पर मौके पर मौजूद है, और जो लोग हैं जो तफरी करने के लिए निकले हुए हैं, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये शनिवार शाम रात 10 बजे से तो सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया था, और हालांकि इसमें कुछ छूटें दी गई थी, जिसमें PSC एग्ज़ाम भी आज इंदौर में होना है, जिसके 13 सेंटर बनाए गए हैं। तो जो एग्जामिनर छात्र हैं, उन्हें यहाँ पर छूट दी गई है, और उनको लाने ले जाने के लिए 4 ऐसी बसें जिनकी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। वहीं जो इमरजेंसी सेवा है, उनको यहाँ पर छूट दी गई है, और उसके साथ ही जो लोग अस्पताल जा रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं इमरजेंसी काम से, तो उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। तो कहा जा सकता है कि जो जिस प्रकार से इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं पर सख्ती दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए रंजित सिंह, देखिए जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जिला प्रशासन ने अलाउ किया है, इमरजेंसी सेवाओं को अलाउ किया है, हम उनको आइडेंटिटी कार्ड चेक करके, खाद्य विभाग वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसीज वाले हैं, उनको अलाउ किया है। ट्रेवल जो बाहर से घर से लोग आ रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं, तो उनका हम कार्ड चेक करके उनको यहाँ से अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। और इक्का दुक्का कई % लोगों को नॉलेज नहीं, जिनके साथ मोबाइल नहीं है, जो इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं है, उनको नहीं पता है कि आज लॉकडाउन है, तो उनको हम समझाइश देके घर भेज रहे हैं। अगर ये बात जरूर देखने में आई कि कहीं ना कहीं इंदौर के लोगों ने इस चीज़ को समझाया, क्योंकि हमारा हॉटस्पॉट बनते जा रहा है ये शहर, तो लोगों ने सहयोग किया इस लॉकडाउन को, और कहीं ना कहीं देखा इसका रिजल्ट आपको इन फ्यूचर जरूर मिलेगा। बिल्कुल, इंदौर शहर में वही रंगत लौटेगी, ये कहना है इंदौर के सुपर कॉक रंजीत सिंह का, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में ड्यूटी की थी और अपने साथियों को खोते हुए देखा था, तो उसका भी एक अपना एक दर्द है। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन केशव मराठा के साथ अखिलेश सेन, इंदौर। वहीं लॉकडाउन के कारण राजधानी भोपाल में भी सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। केवल इमरजेंसी सर्विस से ही जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी भोपाल में लगातार COVID-19 का संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में ही जो कोविड है उसने अपने पैर पसारे हैं, लेकिन भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जो शहर है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। इसके चलते शासन ने अब सख्त जो कार्रवाई है, सख्त जो निर्णय है वो लिया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संडे यानी कि एक दिन टोटल लॉकडाउन का जो निर्णय है वो लिया गया है, और आज भोपाल में पहला टोटल लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं कि चौराहों पर भारी बैरिकेडिंग्स की गई है। जो लोग बिना किसी वजह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सख्त पूछताछ कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जो दंडात्मक कार्रवाई है उसका भी जो प्रावधान है वो किया गया है। अमूमन इस समय भोपाल की सड़कों पर भारी भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, लेकिन आप देखेंगे तो जो बड़े चौराहे हैं, जो मेन चौराहे हैं, यहाँ पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये सन्नाटा पिछले साल के उस वक्त की याद दिलाता है, जब COVID-19 को लेकर एक लंबा लॉकडाउन लगा था, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, इस तरीके की जो सख्त कार्रवाई है, जो सख्त एक्शन है और जो बड़े फैसले हैं, वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। यहाँ पर जो शॉप्स हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, उनका भी मैं आपको हाल बताना चाहूँगा कि देखिए पूरी तरीके से बंद है। अमूमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, सिर्फ इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उनको ही यहाँ पर छूट दी गई है, और वही अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आज MBPSC की परीक्षा है, तो जो बच्चे छात्र छात्रा वहाँ पर पेपर देने सेंटर्स पर जा रहे हैं, उनको ज़रूर छूट दी गई है। अन्यथा सिर्फ नगर निगम का अमला, जिला प्रशासन का, पुलिसकर्मी और जो मीडिया से संबंधित लोग हैं, उन्हें ही बाहर निकल कर अपने काम करने की जो अनुमति है वो दी गई है। और लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, तमाम सारी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल।